वर्तमान सरकार से पत्रकारों के लिए विधानसभा 2019 चुनाव टिकटों को लेकर आज राजू चित्रा ने मीडिया सेंटर कैथल में की वार्ता। इसके लिए उन्होंने हस्ताक्षर अभियान भी चलाया हुआ है और कहा कि जो पत्रकार चुनाव लड़ने का इच्छुक है उन्हें सभी पार्टियां एक या दो टिकट पत्रकारों को दे। इसके लिए राजू चित्रा ने एक मुहिम बीड़ हरियाणा में चलाई हुई है कि अब की बार होने वाले विधानसभा चुनाव में हर पत्रकार को पार्टी की ओर से एक या दो टिकटें चुनाव लड़ने के लिए दिए जाएं। नमस्कार है मेरा, मैंने मुहिम छेड़ी है हमारे पूरे हरियाणा के अंदर कि अब की बार जो विधानसभा 2020 इलेक्शन होने जा रहा है तो उसके अंदर हमारे हरियाणा के पत्रकारों को भी हर पार्टी से एक एक दो दो टिकट मिले। जो हमारे पत्रकार साथी रुचि रखते हैं राजनीति में आने का उनको भी आगे मौका मिलना चाहिए। मैंने ये मुहिम हमारे गुड़गांव से छेड़ी है। परसों मेरी गुड़गांव में प्रेस वार्ता थी, आज मैं जिला कैथल हरियाणा में प्रेस वार्ता कर रहा हूँ मीडिया सेंटर में। और 10 तारीख को मेरी परसों मेरी पीसी फिर गुहला में है, फिर मेरी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस चंडीगढ़ प्रेस क्लब के अंदर है। तो मेरी मुहिम है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जो बहुत ही हमारे भारत में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके बाद हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, मैं उनकी विचारधारा का हूं और मैं उनके माध्यम से भी काम करना बहुत अच्छा समझता हूं। और हमें भी पत्रकारों को भी मौका मिलना चाहिए हमारे हरियाणा के अंदर 22 के 22 जिलों के अंदर। जितने भी मेरे पत्रकार बंधु हैं, मेरी गुहार है हर पार्टी से जो भी बंदा रुचि रखता है राजनीति में आने की तो एक एक दो दो टिकटें उनको भी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे अपना विधानसभा में बैठ सके। तो राजू जी, टिकट की दौड़ में आप किस आधार पर जो है आप टिकट मांग रहे हो, क्या समीकरण है? सर, समीकरण ये है कि हमारे मीडिया हमारे देश का एक चौथा स्तंभ है, हर पार्टी के लिए काम कर रहा है। मीडिया वाले पत्रकार बंधु धूप में बारिश में पता नहीं क्या क्या करके अपने काम को कर रहे हैं, बहुत सारा यूटिलाइजेस भी होता है। मगर मेरी गुहार ये है कि सभी पत्रकार भाइयों को अब की बार जितनी भी पार्टियां हैं हमारे हरियाणा में जो भी रुचि रखता है इलेक्शन लड़ने के लिए तो उनको टिकटें जरूर मिले। कैथल से रेनू दीमान की रिपोर्ट। इसी प्रकार की खबरों के बारे में जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी।